हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में स्पीकिंग में सिंगुलर का प्लूरल बनाया जाता है, किन नाउन्स को हम एक से ज़्यादा बनाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर को एस लगाकर, ई एस लगाकर या फिर आई ई एस लगाकर और कुछ वर्ड्स में वी ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ सिंगुलर्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल ही नहीं होता और कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं जिनके दो दो प्लूरल्स होते हैं। तो ये सब प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो वो हमारे चैनल पर जाएं, हमें सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए अमेजिंग सी चीज़ लेकर आए हैं वो है कंपाउंड नाउन। फ्रेंड, कंपाउंड नाउन अपने आप में ही प्लूरल है, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ही यही है कि उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड है, तो उसको कैसे प्लूरल बनाएं, और उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो किस में एस लगाएंगे और किस में नहीं लगाएंगे, आज यही क्लियर करने के लिए आज मैं जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि कंपाउंड नाउन का आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, कमांडर इन चीफ। चीफ एक नाउन है, आपको अकेला मिल जाता है तो आप इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंपाउंडिंग में है इसलिए चीफ के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। कमांडर इन चीफ एक सिंगुलर है, हमें इसका प्लूरल बनाना है, तो हम एस कहाँ लगाएंगे? तो फ्रेंड्स, हम चीफ में नहीं लगाएंगे, हम इन में भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कमांडर्स। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पासर बाय। बाय में एस हम नहीं लगाएंगे। पासर बाय कहते हैं एक कॉमनली जो रास्ते से गुजर रहा है कोई भी इंसान। अगर एक से ज़्यादा हैं तो पासर्स बाय। नेक्स्ट, सन इन लॉज। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि लॉज में अगर हमने एस लगा दिया तो फिर वो कानून बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे जो हैं लॉज, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सन में एस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे, सन्स इन लॉ। अब यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, मदर्स इन लॉ। अब यहाँ पर आ गया स्टेप मदर। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं स्टेप में एस लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मदर चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, एस हमेशा मदर के साथ लगेगा। फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हो गई, और अब हम आगे चलते हैं। एक वर्ड है, बहुत कॉमन है, स्पीकिंग में भी यूज़ होता है और वैसे भी ग्रामर में यूज़ होता है, कार पार्क। तो यहाँ पे कार के साथ एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम पार्क के साथ लगाएंगे एस। आपने सुना होगा पार्किंग्स, तो ये क्या है? कार पार्क्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी कार पार्किंग्स हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है टैक्सी ड्राइवर। तो जिस तरह से हमने कार में एस नहीं लगाया, तो हम टैक्सी में भी भाई क्यों लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे ड्राइवर्स। टैक्सी सिंगुलर रहेगा, ड्राइवर्स प्लूरल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि टैक्सी के बहुत सारे ड्राइवर्स। अब नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक के साथ हम एस क्यों लगाएंगे भाई? हम बोर्ड्स के साथ लगाएंगे, काले रंग के बहुत सारे बोर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हो गए, सारे कंपाउंड्स हो गए जो कि सिंगुलर थे, आए सिंगुलर थे लेकिन हमने इनको प्लूरल बना दिया। आइए रिवाइज करवा देती हूँ आपको। कमांडर्स इन चीफ, पासर्स बाय, सन्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मदर्स इन लॉ की जगह फादर्स इन लॉ भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर स्टेप मदर है, तो स्टेप मदर की जगह आप स्टेप फादर, फादर्स, या फिर ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप जो भी है, यहाँ पे सिस्टर्स हैं, वो सब कर सकते हैं। और ये है कार पार्क्स, साथ में टैक्सी ड्राइवर्स, ब्लैक बोर्ड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं प्लीज़ हमारा लिंक उन्हें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।